बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी किसकी, सिमेट्री की, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल और सेगमेंटेशन की बात की थी। हम जो नेक्स्ट टाइप का हम बेस ले रहे हैं इस क्लासिफिकेशन के लिए, वो बेस है आपका क्या, सीलोम। सीलोम, ठीक है ना। अब पहले तो किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसका वर्ल्ड या उसका नेम क्या कहता है, इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। सीलोम का एक्चुअल मतलब होता है कैविटी। सीलोम का एक्चुअल मतलब होता है कैविटी। अब कैविटी का भी अगर एक्चुअल में वर्ल्ड निकाला जाए और थोड़ा रेक्टिफाइड किया जाए तो इसका मतलब होता है ब्लैंक स्पेस। क्या होता है? ब्लैंक स्पेस या खाली स्थान। क्या हो? खाली स्थान हो, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं वॉल की, या इसके आगे एक वर्ड लगा देता हूँ मैं, बॉडी वॉल। बॉडी की वॉल या दीवार, बॉडी की जो दीवार होगी या वॉल होगी वो क्या होगी, स्किन होगी, ऊपर ऊपर होगी, जो कि क्या होगी, ऊपर की ओर होगी, ठीक है ना। हम एक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक बॉडी की बात करें, फुल बॉडी की। ये क्या है? इसकी बॉडी वॉल है, ओके। ये अंदर की तरफ भी एक लेयर पाई जाए, क्या पाई जाए, अंदर की तरफ भी एक लेयर पाई जाए, ठीक है ना। इस लेयर को बोलते हैं हम लोग गट। क्या बोलते हैं? गट या गट वॉल। क्या बोल सकते हैं? गट बोल सकते हैं, गट वॉल बोल सकते हैं, क्योंकि यही आगे चल के इसी में मॉडिफिकेशंस होंगे और धीरे धीरे ये क्या करेगी, बहुत सारी बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। बॉडी फॉर्मेशन में क्या करेगी? हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो हमने दो प्रकार के वॉल देख लिए, इनके बीच में क्या है, एक ब्लैंक स्पेस है। हमको भी ये कह रहा था सीलोम। सीलोम भी क्या कह रहा था? कैविटी, खाली स्थान या ब्लैंक स्पेस। इन दोनों के बीच में क्या है? ब्लैंक स्पेस है। अब ऐसा कोई भी एनिमल जो कि इन, जिसमें क्या है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में क्या पाया जाए, ब्लैंक स्पेस पाया जाए, क्या कहलाएगा? सीलोमेट। ए एनिमल विच पजेजेस द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज कॉल्ड क्या कहलाएंगे? सीलोमेट एनिमल कहलाएंगे। जितने भी हम लोग बात करते हैं, हायर एनिमल्स की बात कर सकते हैं, एनेलिड्स की बात कर सकते हैं, आर्थ्रोपोड्स की। एनेलिड इसमें आता है आपका अर्थवर्म, जोक भी आता है, जैसे कि केंचुआ अर्थवर्म होता है, केंचुआ लीच होती है, जोक जिसे आप लोग बोलते हो। किस में आता है? अर्थवर्म, एनेलिड्स में आता है, ठीक है ना। इस और आ सकते हैं इसमें आर्थ्रोपोड, जितने भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, ये भी इसमें आ सकते हैं। और आपके आ सकते हैं मोलस्क, जो कि आपका शंख वगैरह पाया जाता है, स्नेल वगैरह पाया जाता है, वो भी क्या होगा, इसी में आएगा। तो ये क्या होते हैं? एनिमल। ऐसे एनिमल क्या कहलाते हैं? सीलोमेट। अब बात आती है ए सीलोमेट की। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा कोई भी एनिमल जिसमें क्या है, कैविटी इज एब्सेंट, ये लिख सकते हैं हम लोग, कैविटी इज एब्सेंट। इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कैविटी नहीं पाई जाएगी, मतलब पूरी कैविटी में क्या हो, फ्लूइड भरा हुआ हो। इन कैविटी के बीच में क्या पाया जाए, एक लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ हो, तो इस प्रकार का एनिमल क्या कहलाएगा? एसीलोमेट एनिमल कहलाएगा। इस प्रकार के एनिमल को हम लोग क्या बोलेंगे? एसीलोमेट एनिमल बोलेंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्लैटीहेल्मिंथेस की। ठीक है ना, किसकी हम बात करते हैं? प्लैटीहेल्मिंथेस फाइलम। प्लैटीहेल्मिंथेस में आते हैं आपका प्लेटवर्म बोल सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग टीनियासोलियम बोलते हैं, या टेपवर्म भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। क्या बोला जा सकता है? टेपवर्म भी बोला जा सकता है। अब बात एक और आती है कंडीशन, सूडो, PSUDO, सीलोमेट।
अभी जो स्यूडो वर्ल्ड लिखा है, सबसे पहले तो इसको लिखा समझा जाए। स्यूडो, स्यूडो का एक्चुअल मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स या झूठा, फॉल्स या झूठा, इसका एक्चुअल में मतलब होता है। तो ये जो स्यूडो सिलोमेट हमने बनाया है, ठीक है ना, ऐसा एनिमल बनाया स्यूडो सिलोमेट, तो उनमें क्या हो, एक कैविटी तो नहीं पाई जाए, ये कह सकते हैं पाई जाए, ठीक है ना। अब क्या है, कैविटी तो पाई जा रही है उनमें, क्या है, कैविटी तो पाई जा रही है, लेकिन कैविटी में छोटे छोटे पाउचेज मिल रहे हैं, ठीक है ना। कैविटी में क्या है, छोटे छोटे पाउचेज मिल रहे हैं, जो कि क्या है, फ्लूड से भरे हुए पाए जा रहे हैं, जो कि क्या है, फ्लूड से भरे हुए पाए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर ब्लैंक स्पेस आ गया, 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 तो इन पाउचेस के बीच में ब्लैंक स्पेस आ रहा है, तो बस ये कैविटी के होने का आभास दे रहे हैं, झूठा आभास दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या इसे, स्यूडो सीलोमेट, क्या बोलते हैं इन्हें, स्यूडो सीलोमेट बोलते हैं। जैसे कि कैविटी इज फिल्ड बाय लिक्विड, ठीक है ना, कैविटी इज फिल्ड बाय लिक्विड, किसी भी ये कैविटी है जो इससे भरी हो, लिक्विड से अगर भरी हो, तो इस प्रकार के एनिमल को बोलेंगे हम लोग क्या, स्यूडो सीलोमेट। जैसे कि हम लोग बात करते हैं एसके हेलमिंथीस की, एसके का एक्चुअल मतलब होता है राउंड, एक ऐसा थ्रेड लाइक धागे के समान एनिमल पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, राउंड वर्म बोला जाता है। इसे एक्चुअल में नाम जिसका हो क्या होता है, एस्केरिस होता है, क्या होता है, एस्केरिस। इन सब फाइलम को हम आगे के वीडियोस में डिटेल में स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना, डिटेल में हम क्या कर लेंगे, इन्हें आसानी से स्टडी कर लेंगे। ओके, तो अभी हमने बात की किसकी, सीलोम की बात की है, किसकी बात की है, अभी हमने सीलोम की बात की है, सेगमेंटेशन की हमने बात लास्ट वीडियो में करी ली थी। सीलोम क्या है, अब आपको समझ में आ गया, एक कैविटी है, एक कैविटी है जो कि बॉडी वॉल और गट वॉल के, या बॉडी गट के बीच में पाई जाती है, क्या है, पाई जाती है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी एनिमल जिसके बीच में बॉडी कैविटी पाई जाती है, ठीक है ना, ब्लैंक स्पेस के रूप में पाया जाए, क्या कहलाएगा, सीलोमेट एनिमल कहलाएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा एनेलिडा का, ठीक है ना, आर्थोपोडा का, मोलस्का का, इकाइनोडर्मेटा के, जितने भी एनिमल होते हैं क्या होते हैं, सीलोमेट एनिमल होते हैं। फिर हमने बात की किसकी, ए सीलोमेट की बात की है, इसमें क्या होगी, नाम से इसमें मेरा ए का मतलब एबसेंट, ए का मतलब ए फॉर एबसेंट, ठीक है ना। तो कैविटी क्या हो, एबसेंट पाया जाए, तो इसको हम लोग बोल, ऐसे एनिमल को बोल सकते हैं हम लोग क्या, ए सीलोमेट बोल सकते थे। जैसे कि हमने बात की किसमें, प्लेटी हेलमेंटीज में, प्लेटी हेलमेंटीज जो है इसमें आता है आपका टेप वर्म, जो टेप होती है बिल्कुल फ्लैट होती है, टेप जो चिपकाने की किसी भी चीज़ को एडिसिव के रूप में काम में ली जाती है टेप, ठीक है ना, वो क्या होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है। तो इसी प्रकार का एक एनिमल पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम, टेप वर्म या टीनिया सोलियम, क्या बोलते हैं, टीनिया सोलियम में टेप वर्म बोला जाता है। तो वो क्या आता है, ए सीलोमेट होता है। फिर बात आती है स्यूडो सीलोमेट, स्यूडो का मतलब हमने देखा क्या होता है, फॉल्स, स्यूडो का मतलब एक्चुअल मतलब क्या होता है, फॉल्स, जो चीज़ है नहीं है लेकिन बस उसका आभास दे रही है कि वो है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के एनिमल को हम लोग बोलते हैं स्यूडो सीलोमेट। इसमें कैविटी क्या है, कैविटी किस चीज़ से भरी हुई पाई जाती है, किसी प्रकार के लिक्विड या गीला पदार्थ होता है, द्रव जिसे बोलते हो आप लोग, ठीक है ना, किसी भी लिक्विड मटेरियल से क्या हो, ये भरी हुई पाई जाए, तो इस प्रकार के एनिमल कहलाते हैं क्या, स्यूडो सीलोमेट। जैसे कि हमने बात की एसके हेलमिंथीस की, जैसे कि हम लोग देखते हैं राउंड वर्म, जिसको एस्केरिस नाम दिया गया है, जिसको हम डिटेल में आगे की वीडियोस में पूरा फाइलम को पढ़ेंगे डिटेल में, इन सब फाइलम को, जितने भी हमने एग्जांपल दिए हैं, हाइड्रा का दिया, चाहे हमने किसी का भी दिया है, ठीक है ना, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटी हेलमिंथीस, एसके हेलमिंथीस, एनेलिडा यहाँ दिया हुआ है, आर्थ्रोपोडा दिया हुआ है, मोलस्का दिया हुआ है, ठीक है ना, काइनोडर्मेटा, इन सबको क्या करना पड़ेगा, आगे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन का बेस, ठीक है, ये हो जाता है आपका क्लासिफिकेशन का बेस। अब आती है बात किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की, क्लासिफिकेशन ऑफ
एनिमल्स। ओके, अब आपको बेस तो पता चल ही गया है कि हमने क्लासिफाई किस किस बेस पे क्या हुआ है, लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें और हैं जिसके आधार पे हमने क्या किया, जिसके बेस पर हमने क्या किया है, किसी भी एनिमल को क्लासिफाई करने का काम किया। पहला है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, ये जो आपकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी से आप लोग बोलते हैं बैक बोन, ठीक है ना। बैकबोन जो हो क्या है, ये पाई जाए एनिमल्स के अंदर, क्या पाई जाए, बैकबोन पाई जाए। एक एनिमल ऐसा है इसमें बैकबोन नहीं मिल रही है, एक एनिमल इंसेक्ट की अगर बात करते हैं तो उनमें नोटोकॉर्ड क्या होती है, एबसेंट होती है, बैकबोन क्या होती है, एबसेंट पाई जाती है। लेकिन जैसे ही आप हायर एनिमल्स की या फिशीज की, रेप्टाइल की, हैवीज की बात करते हो तो इनमें बैकबोन क्या होती है, मिलती है। इस बैकबोन में भी कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएंगे, वो आगे कंडीशन में देखेंगे, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ओके, फिर बात है प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम आपने 10th में पढ़ा हुआ था। इसका एक्चुअल मतलब किसी भी चीज़ की सेंसेशन को, संवेदनाओं को देना, ठीक है ना, कहाँ तक लेके आना, ब्रेन तक लेके आना, ब्रेन से वापस उसके रेस्पॉन्स या स्टिमुलेशन को लेकर जाना, ठीक है ना, किसी भी थिंग के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम देखो समय मिलता है, लेकिन ट्यूबुलर जो क्या हो, एक किसी भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाए, वो उसकी प्रेजेंस में हम लोगों ने इनको क्लासिफाई किया हुआ है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल वर्ड बना है कैसे, फेरिंग्स से, फेरिंग्स पाई जाती है हमेशा किसमें, डाइजेस्टिव रीजन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती है। तो फेरिंग्स के पास में यदि गिल्स पाए जाए, गिल्स का काम एक्चुअली मतलब क्या होता है, किसका, गिल्स का काम होता है रेस्पिरेशन में। जितने भी एनिमल है, जैसे कि एनिमल एक्वेटिक एनिमल होते हैं, क्या पाए जाते हैं, इनमें गिल्स पाए जाते हैं, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, हम जब भी बात करते हैं गिल्स पाए जाते हैं। तो इसके बेस पे हम लोगों ने क्या किया, इनका क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले करते हैं हम लोग एनिमल किंगडम, एनिमल क्या है, किंगडम है पूरा का पूरा लंबा चौड़ा, किसके अकॉर्डिंग, आरएच विटेकर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आरएच विटेकर, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने 5 किंगडम के फॉर्मेशन किया था। पहला किंगडम था मोनेरा, जो कि आपने बैक्टीरिया वगैरह, आर्की बैक्टीरिया, रियो बैक्टीरिया को, इसमें मॉडर्न बैक्टीरिया को इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। दूसरा किंगडम उन्होंने बनाया था प्रोटिस्टा का, दूसरा किंगडम उन्होंने बनाया था प्रोटिस्टा, जिसमें आप लोगों ने पड़ा हुआ है जितने भी लोअर एंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रोटोजोआ के, अमीबा की बात कर लेते हैं, यूक्लिना की बात कर लेते हैं, हम लोग बैरेंटीडियम की बात कर लेते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं मोस्टली, जिनमें एक ही सेल पाई जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने बना दिया क्या, प्रोटिस्टा किंगडम। थर्ड बनाया फंजाई किंगडम, क्या बनाया, थर्ड किंगडम बनाया था उन्होंने, फंजाई किंगडम बनाया था। फंजाई किंगडम में हमने लास्ट में देखा, एल्बी को पढ़ा, ईस्ट पढ़ा हमने, एस्परेगस पढ़ा हमने, एस्परजिलस पढ़ा हमने, ठीक है ना। जितनी भी क्या पाए जाए, फंजाई पाए जाए या काई पाए जाए, ठीक है ना, जितनी भी काई पाए जाए, फंजाई पाए जाए, तो इनको हमने पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाए, ठीक है ना। तो इनको हम लोगों ने रख दिया है किस में, एक फाइलम में, और इनके लिए स्पेशल फाइलम का नाम हमने दिया था क्या, फंजाई, ठीक है ना, फंजाई किंगडम दिया। नेक्स्ट हमने बात की प्लांटी किंगडम की, किसकी हमने बात की, प्लांटी किंगडम की। प्लांटी किंगडम की जैसे हमने बात की, तो फंजाई से कुछ हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ या लेवल की तरफ बढ़े, जहाँ से हमने बात की एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म में। जैसे कि हमने देखा एल्गी थी, ठीक है ना, एल्गी थी, क्या कर रही थी, ऑटोट्रॉफिक थी, मतलब फोटोसिंथेसिस कर रही थी, खुद का भोजन स्वयं बनाने का काम कर रही थी, खुद का भोजन स्वयं बनाने का क्या कर रही थी, ये काम कर रही थी एल्गी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आए हम लोग थोड़ा सा एडवांस कंडीशन पे, ब्रायोफाइट्स पे, किस पे, ब्रायो
फाइट्स पे आए, ये क्या कर रहे थे, इनमें कुछ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ गए थे जो कि क्या थे, थोड़ा सा डेवलप्ड कंडीशन आ गई किससे, किसकी तुलना में, किसके कंपैरेटिवली, एल्गी के कंपैरेटिवली थोड़ी सी एडवांस कंडीशन आ गई। फिर हमने बात की किसकी, टैडोफाइटा की बात की, ठीक है ना, फिर हमने बात की किसकी, टैडोफाइटा की बात की, फिर हमने बात की किसकी, जिम्नोस्पर्म की बात की, इसमें क्या सीड का फॉर्मेशन हो गया, थैलस स्ट्रक्चर ख़त्म हो चुकी थी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया गया, रूट पाए जा रहे हैं, स्टेम पाया जा रहा है, ठीक है ना, सीड पाए जा रहे हैं, जिम्नोस्पर्म बस सीड जो नेक्ड थे, क्या पाए जाते हैं, नेक्ड सीड पाए जाते हैं, ठीक है ना, ओके। फिर हमने बात किया एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में भी हमने दो कंडीशन देखी थी, एक तो मोनोकॉट की देखी, एक डायकॉट की देखी थी, एक मोनोकॉट रीजन के लिए हमने देखा, एक डायकॉट रीजन के लिए देखा, ओके। जैसे कि हमने बात की ग्राउंड नट की, लोमेंटम जितने भी सीड होते हैं, ग्राउंड नट हो गया आपका, सैसराइंटम, मिलट जितनी भी होती हैं, ठीक है ना, आप ये कह सकते हैं पल्सेस जितने भी होते हैं, दालें जितनी भी होती हैं, वो सारी की सारी आती हैं डायकॉट। मोनोकॉट में जितने भी आपके क्रॉप्स प्लांट होते हैं, जैसे कि हमने बात किया किसकी, वीट वगैरह की, इनकी बात की थी, ठीक है ना, सोरगम वगैरह की बात की थी, तो इनकी बात की हमने किस में, मोनोकॉट में बात की, तो ये हमने आगे किस कंडीशन में आगे, प्लांटिक किंगडम में पढ़ लिया। फिर हमने बात की एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम को इसी भी इस प्रकार से या लोअर लेवल टू हायर लेवल क्या करा जाएगा, क्लासीफाई किया जाएगा, किस में, फाइलम्स में क्लासीफाई किया जाएगा, जिसको हम लोग देखेंगे किस में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।